अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू एजुकेशनल चैनल पीके विद अनदर लेसन। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वन मोर लेटर विच विल हेल्प अस टू करेक्ट आवर प्रोनंसिएशन एंड दैट इज ब। इट्स नॉट बी, इट्स ब। अगर हम मज़ीद डिस्कशन से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बात करें तो हम क्या कहेंगे, इसको बी ही करेंगे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस कर रहे हैं। फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन कह लें या डिक्शनरी की लैंग्वेज कह लें, विच हेल्प्स अस टू प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली, इसे हम फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो कि डिक्शनरी में किसी वर्ड के आगे उसका प्रोनंसिएशन बताने के लिए लिखा हुआ होता है। इट इज़ रिलेटेड टू साउंड। फोनेटिक्स, फोनेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम फोन, इट इज़ रिलेटेड टू साउंड। सो इट टेल्स अस अबाउट द साउंड ऑफ वर्ड्स, किसी वर्ड की साउंड कैसी होगी, उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। सो व्हेन वी आर यूजिंग दिस सिंबल इन इंग्लिश, वी हैव टू प्रोनाउंस इट एज बी, बट इन फोनेटिक्स दिस साउंड इज कॉल्ड ब। इन इंग्लिश देर आर लेटर्स, बट इन फोनेटिक्स इन साउंड देर आर फोन्स। ठीक है, दिस इज़ अ साउंड, ये साउंड है जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं ब। अब हमें कैसे ये हेल्प करते हैं, ये हमारा सेकेंड लेटर है आउट ऑफ 44, जो मैंने आपको प्रीवियस लेटर में लेसन में बताया था कि देर आर 44 सिंबल्स इन फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डिक्शनरी विच हेल्प अस टू प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली। अच्छा, अभी हमें क्या करना है कि हमें प्रोनंसिएशन की हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे साउंड कहाँ पे है बी। कि डिक्शनरी में कोई भी आप वर्ड सर्च आउट करोगे तो आपने जो यहाँ पे सिंबल्स आपको मिलेंगी, आपने उन सिंबल्स की साउंड निकालनी है, तो आपका जो प्रोनंसिएशन ऑटोमेटिकली वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ लुक एट दिस वर्ड, इट इज़ एन इंग्लिश वर्ड, दिस वर्ड इज़ कॉल्ड डेट, बट सम पीपल प्रोनाउंस बी मिस्टेकनली, बट एक्चुअली बी इज नॉट सपोज टू बी स्पोकन, इट इज़ नॉट सपोज टू बी अटर। अगर कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाती है या आपकी किसी फ्रेंड के साथ, किसी कोलीग के साथ बहस हो जाती है कि यहाँ पे बी प्रोनाउंस होगा या नहीं होगा, सिंपली आपने क्या करना है, यू हैव टू ओपन द डिक्शनरी एंड सी द प्रोनंसिएशन। ये बार्स में नॉर्मली लिखा होता है डिक्शनरी में, न्यू स्लैंडिंग लाइन्स में। सो इट इज़ द प्रोनंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। नाउ लुक एट दिस थ्री सिंबल्स, इन दिस थ्री सिंबल्स देर इज नो बी। यहाँ पे हमें जो लेटर्स मिलेंगे, जो सिंबल्स हमें यहाँ पे मिलेंगे, हमने उनके साउंड निकालने हैं। डी है तो ड निकालेंगे उसकी साउंड, ये भी हमारा एक लेटर है, उसकी साउंड भी हमारी मतलब हमें प्रोनाउंस करनी है, और ये आप लास्ट में टी आ रहा है, लेकिन बी इज नॉट देयर, सो हम इसे प्रोनाउंस नहीं करना। लुक एट द अदर एग्जाम्पल, नाउ देर इज डाउट, अगेन बी इज साइलेंट। यहाँ प्रोनंसिएशन देखें अगर आप, तो यहाँ प्रोनंसिएशन में आपको चार लेटर्स मिलेंगे, बट बी इज नॉट देयर। When B is not there, we have not to pronounce it. Now, it would be a very common error, you can say. आप में से बहुत से लोग इसको plumber बोलते होंगे, it is not plumber. आप अभी अपने डिक्शनरीज खोलें, अगर आपको डाउट है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम या मिस्टेक है, तो आप अभी कहीं से भी अच्छी से डिक्शनरी ओपन करें, वहाँ पे देखें ये प्रोनंसिएशन होगा उसका, और वहाँ पे बी नहीं है। सो इसको प्लम्बर प्रोनाउंस नहीं करना आपने, आपने इसको प्लम्बर प्रोनाउंस करेंगे, फाइन, प्लम्बर। नेक्स्ट इज डम, इसको डम्ब बोलेंगे हम, इट्स रॉन्ग, डम्ब नहीं है, इट्स अ डम। अगेन देखें यहाँ पे बी मिसिंग है, जब बी नहीं है तो वी हैव नॉट टू प्रोनाउंस इट। नाउ नेक्स्ट इज थम्ब, नॉर्मली हम इसको थम्ब बोलते हैं और हम बी प्रोनाउंस करते हैं, बट हमें नहीं करना बी प्रोनाउंस। ये थ साउंड है, ये थीटा का सिंबल है, मैं भी ये सिंबल आपको नहीं बताऊंगी अभी, हम सिर्फ बी को डिस्कस करेंगे, ये हम आगे जाके जब इसकी टर्न आएगी तो हम डिस्कस करेंगे बाकी के सिंबल्स। अभी सिर्फ आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे कहीं पे बी नहीं है, जब बी नहीं है कहीं पे तो हमें उसको प्रोनाउंस नहीं करना, वहीं पे करेंगे जहाँ बी मौजूद है। अब इस वर्ड को देखें, लास्ट वर्ड, इट इज़ कॉल्ड बम, लेकिन हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बम्ब,
हम क्या करते हैं, लास्ट में भी जो बी है उसको प्रोनाउंस करते हैं, या तो बम प्रोनाउंस करेंगे या फिर हम इसको बम्ब प्रोनाउंस करते हैं। तो हमें क्या करना है कि इट्स कॉल्ड बॉम। ये जो साउंड है ये हमें ओ साउंड निकालती है, बॉम। ओ साउंड की बात नहीं करेंगे हम, बी के करेंगे। यहाँ बी प्रेजेंट है तो हम यहाँ बी प्रोनाउंस करेंगे ब। लास्ट में बी नहीं है तो हमें लास्ट में बी प्रोनाउंस नहीं करना है, इट्स कॉल्ड बॉम। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी आज के लेसन की। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट सम डिफरेंट वर्ड्स रिलेटेड टू ब साउंड। ब साउंड ऐसे वर्ड्स आप सर्च आउट करें डिक्शनरी में से कि जो एक्चुअली लिखने में और तरीके से होते हैं लेकिन उनको प्रोनाउंस डिफरेंटली किया जाता है। तो शेयर करें हमारे साथ ताकि बाकी लोगों को भी उनकी मिस्टेक्स पता चल जाएँ जो वो नॉर्मली आम डेली लाइफ में हम लोग करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।